तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोग का स्वागत करता हूँ एमटीएस ग्रिड चैनल में। तो आज का टॉपिक ये रहा, क्या हमारे बजरी पैरोट सरसों का दाना खाते हैं या नहीं खाते हैं, उसी पर आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं दोस्तों। जो भी है तो चले तो हमारे केस के तरफ करते हैं। हमारा छोटा सा पिंजड़ा है दोस्तों, उसी में मैं करीबन 9 से 10 पेयर पाल रहा हूँ। और बढ़िया है हमारा बजरी पैरोट, और ब्रीडिंग का सीजन है। और आप लोग देख सकते हो कि मैं उसके सामने बैठा हूँ, वो मतलब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ठीक ठाक है। तो मैं उसके सेट में जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे बजरी पैरोट जो हैं सो कितने हेल्दी हैं दोस्तों। और मैंने रात के समय हो रहा है, हमारे यहाँ कभी बारिश कभी कभी सूखा तो कभी धूप, ऐसे हो करके बारिश हो रहे हैं उसी कारण में, और प्लस में ठंड के मौसम है। और ये जो मेरा बढ़िया पेयर है, लाख गुना पेयर है, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तभी ये हमारे मतलब ऐसा बैठ करके देखते हैं, ताकि मैं इसके लिए कुछ नया चीज़ लाऊँ खाने के लिए। तो वही आज मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, क्या हमारे बजरी पैरोट सरसों का बीज खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो वही कारण मैं अभी केस के बाहर ही बैठा हुआ हूँ, और देख सकते हो कि हमारे पेयर एक उधर हैं, सो मटकी पकड़ के बैठे हुए हैं। और ये जो ब्लू वाला है वो बहुत हलचुलिया रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो आए हैं सो क्या लेके आए हैं। तो मैं यही दुआ करूँगा कि मैं जो भी देता हूँ मैं अपने बर्ड के लिए बहुत मस्त देता हूँ। ये रहा इसका फुल जोड़ा दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कितना क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हो अभी रात का समय हो रहा है, और मैंने पिंजरे से सब दाना पानी निकाल लिया हूँ। ये रहा पानी, ये रहा हमारा सुबह का सब फ्रूट, तो आप लोग देख सकते हो हल्का फुल्का बचा हुआ है। और ये जो ब्लू वाला पैरोट है वो जानना चाह रहा है कि हमारा जो भी है तो कैसे क्या लाए हैं हमारे लिए, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। और ये रहा हमारा मिक्स, और मैं अभी देने वाला हूँ ये सरसों का बीज, सरसों खाते हैं या नहीं खाते। तो मैं तो पहले कुछ देर में इसे छोड़ दूंगा, उसके बाद ही मैं इसे प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग देखते रहिए, ये जो था मेरा पहले का दाना, ये मैंने पहले का दाना इसमें फेंक दिया हूँ। तो हाँ गाइस, ये रहा हमारा सरसों का बीज। तो कंगनी दाना से थोड़ा सा मोटा रहता है हमारा सरसों का बीज, और ये आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से हमारा जोड़ा कर रहा है, मतलब ज़बरदस्ती जिसे बोलते हैं दोस्तों। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा एक जोड़ा जो है सो बहुत मस्त जोड़ा लगा हुआ है, और एक जोड़ा और है उधर शेड में बैठा हुआ है दोस्तों। और ये जो ब्लू ब्लू है तो ये है इसका फीमेल, और ये रहा हमारा मेल, और ये मेल रहा इधर वाला दोस्तों, ये मेल है उधर वाला फीमेल है दोस्तों। और मैं देख सकते हो कॉकटेल कॉकटेल भी मस्त तरीके से बैठे हुए हैं दोस्तों। और ये कुछ देर इंतजार करने के बाद ये टोटली भूखे पड़ गए हैं, कुछ मैंने वीडियो कटिंग कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए पहले हमारे पेयर का कैसा कलर है, कलर माशाल्लाह बहुत मस्त है दोस्तों। और ये मेरे ख्याल से इसे अभी बुखार होगा, तो मैं इसे कल अलग कर दूंगा, बढ़िया से केज में बनाऊंगा, इसके ऊपर जस्ट रखूंगा दोस्तों। ये रहा इसका एक जोड़ा, जो पीला है दोस्तों वो फीमेल है, और जो ब्लू वाला है तो मेल है दोस्तों। और ये पीला फीमेल है दोस्तों, और ये मेल है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। ग्रीन लाइट जो है दोस्तों तो बन चुका है हमारे पेयर का, बहुत जल्दी अंडे आने वाले हैं। तो हाँ गाइस, ये रहा हमारा बजरी पैरोट, और सरसों का दाना हमें इसे प्रोवाइड करना है, और वो एक भूखा सब नीचे आ रहे हैं गाइस। तो ये रहा सरसों का बीज, और मैं इसे अभी ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि मैं इसे दूँ, क्योंकि आधा घंटा से प्लस हो गया गाइस, और प्लस में ठंड का मौसम है दोस्तों। तो मैं इसे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिजल्ट रहता है, कुछ देर के बाद मैं फिर इसे निकाल लूँगा। और ये देख सकते हो कि सरसों का बीज आते ही हमारा बजरी पैरोट कैसे नामने लिए हैं गाइस, मतलब सरसों का बीज तो अभी तो नहीं पता चलेगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल तो मैंने इसे छोड़ ही दिया हूँ कि सरसों का बीज में आप लोग देख सकते हो किस तरह से हमारे पियर में लड़ाइयाँ चल रहे हैं। लेकिन ये तो चिन्ह नहीं रहे हैं कि क्या कंगनी है या बाजरा है या फिर है तो है क्या। लेकिन मैंने, हाँ दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ, मैं ये कंगनी नहीं दिया हूँ, मैं ये सरसों का बीज जो होता है सो दिया हूँ। और आप उसी में देख सकते हो इतना फाइटम फाइट चल रही है,
और मैं आज इसे यही प्रोवाइड कर रहा हूँ, कल मैं कुछ और प्रोवाइड करूँगा इसे। आप लोग देख सकते हो साफ एकदम। बहुत बढ़िया से हमारे पेरोट खा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठा हूँ तो हमारे पेरोट डर रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल तो बहुत अच्छे से हमारे पेरोट खा रहे हैं। और ये खुशी का बात है कि हमारा अब दाना कम होगा, बहुत हमसे डर रहे हैं। अब मैं इसे लॉक करके जा रहा हूँ, यहाँ से केज के बगल हो जा रहा हूँ ताकि ये डरे नहीं। दोस्तों आज का ये इतना ही रहा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।